दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए शालीमार बाग में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई ब्लाइंड डकैती के मामले को सुलझा लिया। दरअसल शालीमार बाग के पार्क में एक महिला की गर्दन दबाकर उसका मोबाइल फोन, सोने की चैन और हीरे की अंगूठी लूट ली, जिसके बाद सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दिल्ली की शालीमार निवासी पीड़िता उम्र 47 वर्ष मौजूद मिली। उसने बताया वह शालीमार बाग मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है। वही आरोपी की पहचान 30 वर्षीय रवि उर्फ काला, 30 वर्षीय मोनू उर्फ बादशाह, 25 वर्षीय तेंगवल उर्फ किशन, 38 वर्षीय गगन, 20 वर्षीय मोहम्मद अखलक के रूप में हुई, जिनके पास से पुलिस ने डकैती मामलों को सुलझाया। साथ ही लूटी गई सोने की चैन, हीरे की अंगूठी और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। वही आरोपी ड्रग्स की लत के कारण लूट और स्नैचिंग जैसी वारदात को अंजाम देते थे। खबरों के साथ बने रहने के लिए न्याय केसरी न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। डिस्ट्रिक्ट की जॉइंट टीम्स ने 26 जनवरी की शाम को हुए एक सेंसेशनल रॉबरी केस, जिसमें एक लेडी डॉक्टर के साथ शालीमार बाग इलाके में अप्रिय घटना हुई, उसको घटना के 48 घंटों में ही 100% रिकवरी के साथ सॉल्व किया है। 26 जनवरी को लगभग शाम के 7 बजे एक PCR कॉल हुई थी, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक लेडी डॉक्टर के साथ 3 लोगों ने गला दबा के उनके साथ रॉबरी करी है। इमीडिएटली पुलिस मौके पर पहुंची, क्राइम टीम को भी बुलाया और वहां पे सबसे पहले विक्टिम से मुलाकात हुई, उनको सबसे पहले कम्फर्ट किया गया और फिर उनसे बातचीत करी। तो उन्होंने बताया कि वो अपने घर के पास में AD और AE ब्लॉक शालीमार बाग के एरिया में पार्क में वॉक के लिए गई थी। उस समय 3 लड़कों ने उनको क्रॉस किया और फिर उसमें से एक लड़के ने उनका गला दबा दिया अपनी एल्बो से, पीछे से उनको पकड़ के, जिससे वो गिर गई और अनकॉन्शियस हो गई। और फिर जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका चेन, उनका मोबाइल फ़ोन और उनकी डायमंड की अंगूठी लेके वो 3 लड़के भाग रहे थे। पुलिस को जब ये पता पड़ा तो इमीडिएटली सिचुएशन की ग्रेविटी और सेंसिटिविटी को सेंस करके डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी गई। 2 टीम्स ACP ऑपरेशंस और इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में फॉर्म करी गई स्पेशल स्टाफ की टीम। 1 टीम थाना भारत नगर की SHO भारत नगर श्री मोहर सिंह मीना के नेतृत्व में फॉर्म करी गई और 1 टीम SHO शालीमार बाग श्री सुधीर कुमार के नेतृत्व में फॉर्म करी गई। मल्टीपल टीम्स अपना काम कर रही थी। आसपास के एरिया के CCTV फुटेजेस को खंगाला गया। CCTV फुटेज को जब देखा गया तो उसमें से 3 लड़के भागते हुए थे। लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करी गई, आसपास के एरिया से बातचीत करी गई। फुटेज को फॉलो करते हुए हमने पूरा एंट्री रूट और एग्जिट रूट बनाया। जब एग्जिट रूट को देखा तो ये पता पड़ा कि ये वजीरपुर की तरफ रिंग रोड से जाते हुए एक रिक्शे में, ई रिक्शा में बैठ के लड़के चले गए। वहाँ पे रिक्शा स्टैंड से लोकल जो भी रिक्शे वाले थे उनसे लोकल इंक्वायरी करी गई और आसपास के लोगों से पूछताछ करी गई। लोकल इंटेलिजेंस के बेस पे सबसे पहले हमें एक अक्यूज की शिनाख्त हुई, हमें पता पड़ा उसके बारे में, और उसका नाम था रवि एलियास काले। जब रवि एलियास काले का हमने वेयर अबाउट्स पे रेड करी, उसकी झुग्गी पे रेड करी तो वहाँ नहीं मिला। फिर इन्फॉर्मेशन मिली वो कन्हैया नगर के एरिया में है और वहाँ पे रेड करके सबसे पहले उसको अप्रिहेंड किया। जब उसको अप्रिहेंड किया तो उससे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से ये 3 लोग इस वारदात में शामिल थे, जिसमें एक मोनू बादशाह और कृष्ण एलियास बाड़ा और रवि एलियास काले ये थे। इनमें से 2 लोग एरिया के भारत नगर JJ कॉलोनी के रहने वाले हैं और 1 वजीरपुर का है। और मोनू एलियास बादशाह और रवि एलियास काले ये PC हैं भारत नगर के और बहुत सारी वारदातों में शामिल रह चुके हैं। इनसे फर्दर पूछताछ पे इन्होंने पूरे इंसिडेंट को बताया कि किस तरह उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और पहले भी ये कहीं वारदातों में शामिल हो चुके हैं। जब इनसे केस प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने ये सब बेच दिया है। इमीडिएटली जब इन्फॉर्मेशन के बेस पे तीनों को ही उठा लिया गया और फिर केस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए टीम्स ने स्विफ्टली एक्शन किया और पता पड़ा कि जो डायमंड की अंगूठी और सोने की जो चेन है वो उन्होंने एक सुनार को, जो बुरारी का रहने वाला है, उसको बेच दिया। उसको हम लोगों ने अप्रिहेंड किया, वो गगन है और बुरारी का है, उसको भी अप्रिहेंड कर लिया गया है। और मोबाइल फ़ोन उन्होंने एक अखलक नाम के व्यक्ति को भेजा, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया और मोबाइल फ़ोन की भी रिकवरी करी। ऐसे टीम्स ने मिलकर
बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो एसीपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में हुआ, श्री सतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ, उसमें बहुत ही अच्छा काम किया और 100% रिकवरी के साथ विक्टिम को न्याय दिलाया। लिटरली बहुत मेहनत करी है एक एक बंदे ने इनसे। मैडम टोटल कितने केस वर्कआउट हुए अभी तक? इन्वेस्टिगेशन जारी है, वर्कआउट तो पूरा प्रोसेस चल रही है, काफी केसेस में इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट का डिस्क्लोजर किया है, तो फर्दर देखते हैं अभी क्या क्या। उम्मीद है कि यार हफ्ते 3-4 हफ्ते प्रोसेस हो जाएगी। भारत नगर की टीम भी बहुत अच्छी टीम है, शालीमार बाग की टीम भी बहुत, पूरा डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम कर, क्योंकि ये केस हम लोग के लिए बहुत ही सेंसेशनल था और ग्रेविटी इसकी बहुत ज्यादा थी, और एक लेडी डॉक्टर के साथ जो शालीमार बाग थाने में, मतलब शालीमार बाग में मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर, तो उनके साथ जब ऐसी वारदात हुई तो